हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा छठवीं के लिए है। इसमें आपके तीन विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। जो ये पुस्तक है इसमें कितने विषय हैं? आपके तीन विषय, जिसमें आज हम आपके लिए किसके बारे में बताएंगे? विषय संस्कृत लेके आए हैं। कौन सा विषय पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे हम? विषय संस्कृत। विषय संस्कृत की जो भी आपकी गतिविधियाँ हैं उन्हें बताएंगे। और यह जो पुस्तक है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए है? यह सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं सत्र 2022-23 और खंड स है संस्कृत। विषय क्या है आपका? संस्कृत। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। पुष्पाणाम नामानी, यानी पुष्पों के नाम बताने का है और उनके वर्ण विच्छेद, जो क्या किया है, वर्ण विच्छेद किया है। तो कैसे करना है देखते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। भाषा अध्ययनम, यानी भाषा का अध्ययन करें। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कमलम। कमलम यानी होता है कमल, कमलम का अर्थ होता है हिंदी में कमल। और इसका वर्ण विच्छेद कैसे किए देखिए। वर्ण विच्छेद जब होता है तो व्यंजन और स्वर मिलके क्या होता है, वर्ण का विच्छेद होता है। जैसे यहाँ पे क जो व्यंजन होते हैं वो आधा होते हैं और स्वर पूरे पूरे बनते हैं। जैसे हमको कमलम का वर्ण विच्छेद करना है तो क को आधा कर देंगे, फिर उसके साथ पूरा अ क, फिर म आधा म और अ, और ल के लिए आधा ल अ, और ये आधा म पहले से ही दिया है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये हो गया म। तो इस प्रकार कमलम का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, क आधा क धन अ धन आधा म धन अ धन आधा ल धन अ धन म। इस प्रकार हमने आपको कमलम का वर्ण विच्छेद और उसका अर्थ बताया हिंदी में कमलम को क्या कहते हैं। कमलम को हिंदी में क्या कहते हैं? कमल। कमल का जो फूल होता है वह है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसके बाद अगला जो आपका क्या पुष्पानाम, यानी पुष्पों के नाम अगला क्या है देखते हैं। ये क्या दिया है, कंदुक पुष्पम। कंदुक पुष्पम, कंदुक पुष्पम उन्हें होता है गेंदा का फूल। और कंदुक पुष्पम का वर्ण विच्छेद कैसे किए देखिए। क का आधा क धन अ धन न, आधा न है ना, आधा न धन आधा द। आधा द बनाने के लिए आपको नीचे क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। धन ये छोटा उ की मात्रा है इसलिए छोटा उ आ गया। फिर क आधा क धन, प आधा क के साथ यहाँ पे हम एक चीज़ लिखना भूल चुके हैं जिसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या आएगा यहाँ आधा प, देखिए यहाँ पे क्या था, ये क था ना आपका, ये पहले हम शुरू से फिर से बता रहे हैं आपको। देखिए हाँ, ये क आधा क अ क बन गया न, फिर उसके बाद द छोटा उ की मात्रा उ, और ये जो क है इसके लिए आधा क और यहाँ पे और क्या आ जाएगा, धन अ क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। फिर धन आधा प छोटा उ और ये आधा श धन आधा प धन अ धन म। तो ये हो गया आपका कंदुक पुष्पम यानी गेंदा। तो इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद करके बता दिए। नेक्स्ट अगला देख लीजिए आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। चलिए अगला फूल का नाम दिया है, पुष्प का नाम दिया है चंपकम। चंपकम मीन्स होता है चंपा। चंपकम का अर्थ क्या होता है, चंपा का जो फूल होता है वह है। और चंपकम का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, आधा च धन अ धन म आधा म धन आधा प, या आधा प है यहाँ पर ध्यान देंगे, धन अ, फिर आधा क धन अ धन म आधा म। तो ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद करके बता दिए। इसके बाद अगला नाम आ रहा है आपके सामने पाटलम। पाटलम मीन्स होता है, आपको मालूम होना चाहिए पाटलम मीन्स क्या होता है संस्कृत में। पाटलम का अर्थ क्या होता है हिंदी में, क्या होता है गुलाब। गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं, पाटलम। और पाटलम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा प कर देंगे, ये आधा प, फिर आ की मात्रा आ, आधा ट अ,
धन ल आधा ल, धन अ धन म, पाटलम, पाटलम का वर्णोच्छेद करके बता दिए। इस प्रकार से पाटलम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाब कहते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। इसी प्रकार अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी से बताते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, भाषा अध्ययनम। अब ये क्या है, फला नाम नमानी, यानी फलों के नाम बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अमृत फलम, अमृत फलम यानी होता है अमरूद, और अमृत फलम का वर्ण उच्छेद ये आपके सामने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये उदाहरण के रूप में पहले से ही दिया हुआ है। इसके बाद आपका अगला आ जाता है आम्रम, आम्रम यानी होता है आम, और उसका वर्ण उच्छेद क्या होगा, आ धन म, आधा म, धन र, धन अ, धन आधा म, आम्रम। इसके बाद अगला दिया है कदली फलम, कदली फलम मीन्स होता है केला। कदली फलम को हिंदी में क्या कहते हैं, केला, और कदली फलम का वर्ण उच्छेद आपको यहाँ पे हमने करके बताया। आप देख सकते हैं आधा क, धन अ, क, आधा द, धन अ, द, आधा ल और बड़ी ई, कदली, आधा फ, धन अ, आधा ल, धन अ, धन म, ये बन गया आपका कदली फलम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, द्राक्षा, द्राक्षा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये द्राक्षा गलत छपा, गलत हमने लिख दी है। द्राक्षा में यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या आएगा, देख लीजिए। द्राक्षा मीन्स पहले क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। द्राक्षा मीन्स होता है अंगूर, अंगूर के फल को सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका वर्ण विच्छेद है ये गलत है। यहाँ पे आएगा द, धन, वो द के बाद क्या, द्रा, तो यहाँ पे आएगा र, द धन र, द धन र, और उसके बाद आएगा आ, द धन र, धन आ, धन क। देखो जो छ है संयुक्त वर्ण है, तो इससे कैसे इसका वर्ण विच्छेद होगा, आधा क, आधा क, धन श, धन आ, इस प्रकार से द्राक्षा का वर्ण विच्छेद होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो गलती से गलत लिख गया था, आप उसे सही इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी प्रकार आपको दिया पुष्पाणी, तो आप पुष्पाणियों कर सकते हैं। मालती का हमने वर्ण विच्छेद करके बताया, देख सकते हैं आप। उसी प्रकार ये मलिका का वर्ण विच्छेद करके बताएं, म, आधा ल, आधा ल, छोटी की माता ई, धन आधा क, धन आ, मलिका। फिर इसके बाद युथिका, मलिका के बाद युथिका, और ये किसके नाम हो गए, पुष्पों के नाम हो गए। इसके बाद आपको दिया फलानी, फलानानी यानी फलों के नाम, शिवम, शिवम मीन्स क्या होता है, शेव, शिवम मीन्स क्या होता है, शेव। डांडीमम, डांडीमम मीन्स क्या होगा, डांडीमम मीन्स होता है अनार, और डांडीमम का देखिए यहाँ पे कैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, द धन ये ळ आधा ऋण आ जाएगा यहाँ पे, धन ई छोटी आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये छोटी ई आ गया। फिर धन म आधा म, धन आधा, धन आधा म, ये बन गया आपका डांडीमम। डांडीमम मीन्स क्या होता है आपका, अनार होता है। इसके बाद अगला आता है नेक्स्ट कपिथम, कपिथम मीन्स क्या होता है, कपिथम ये एक फल होता है जिसे अपन बेल का फल कह सकते हैं। इसका हमने वर्ण विच्छेद करके यहाँ बताएं, आप देख सकते हैं। इसके बाद नारिकेला, नारिकेला मीन्स क्या होता है, नारियल, और इसका नारिकेला का वर्ण उच्छेद आपको करके यहाँ बताएं। इस प्रकार से आप इसका वर्ण उच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद जम्बू है, जम्बू यानी क्या होता है, जामुन, ये क्या है, जामुन, और जम्बू का वर्ण उच्छेद आपको यहाँ करके बता दिए। इस प्रकार आपका पुष्पाणी और फलानी के नाम आपको वर्ण उच्छेद सहित बताए। इसके बाद पक्षिणानाम यानी पक्षियों के नाम और पशु नाम है। देखिए बक है, बक यानी क्या होता है, बगुला, तो बक, आधा ब, धन अ, धन आधा क, धन अ,
बकहा। इसी प्रकार चटका यानी पक्षी होता है और उसका वर्ण विच्छेद करके बताए हैं। कपोता, कपोता यानी कबूतर होता है, उसका भी वर्ण विच्छेद करके बताए हमने इस यहाँ पे आपको। उसके बाद कपोता के बाद क्या आता है, सारिका। सारिका मीन्स क्या होता है, बुलबुल। सारिका मीन्स हिंदी में क्या होता है, बुलबुल। उसके बाद दिया कोकिला। कोकिला मीन्स क्या होता है, कोयल, जिसकी आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। और उसके बाद यहाँ पे वर्तिका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए चटका बकह का वर्ण उच्छेद करके बताएं, चटका का करके बताएं, कपोता का बताएं, शारिका का बताएं और कोकिला का बताएं वर्ण उच्छेद और उनके अर्थ भी बताएं। अब वर्तिका का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, वर्तिका का तो आधा हुआ लिख देंगे आप यहाँ पे, लिख दिए। उसके बाद वर, तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, आ के बाद र, आधा र, धन, आधा त, धन, छोटी ई, धन, आधा क, धन, आ। ये क्या बन गया आपका, वर्तिका। तो इस प्रकार से वर्तिका की वर्ण विच्छेद करके बता दिए। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे साइड में देखिए, ये पशु नाम, पशु नामा यानी पशुओं के नाम बताना है। उष्ट्र, उष्ट्र यानी क्या होता है, ऊँट। और उसका हमने यहाँ वर्ण विच्छेद करके बताए हैं। ये आधा स है यहाँ पे देखेंगे आप, ये आधा स, आधा ट, र, अ। इसके बाद एड़ा, एड़ा का भी वर्ण उच्छेद करके बताएं। एड़ा मीन्स होता है बारह सिंगा। उसके बाद एड़ा के बाद क्या आ गया, भलकू यानी भालू। भल्लू कहा यानी क्या होता है, भालू। और उसका वर्ण उच्छेद आपको यहाँ बताया, देख सकते हैं आप। इसके बाद सस्का, सस्का यानी क्या होता है, खरगोश। और उसका भी, सस्का का भी हमने वर्ण उच्छेद करके यहाँ बता दिए। आप चाहें तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं या वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं ये आपको शुरू में हमने बता दिए हैं। कुकुरा, कुकुरा यानी होता है कुत्ता। तो देखिए उसका भी, कुकुरा का भी हमने यहाँ वर्ण विच्छेद करके आपको बताएं। नकुला, नकुला का भी वर्ण विच्छेद आपको करके बताएं। नकुला यानी क्या होता है, लोमड़ी। इस प्रकार से आपके यहाँ पे पक्षी नामानी हो गए और पशु नामानी हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और यही वही दिया है आपका, पक्षियों के नाम और पशुओं के नाम वही बताते हैं। उल्लू का पक्षी है, इसको उल्लू कहते हैं। उसका वर्ण विच्छेद करके पहले से ही बताया है। काका मीन्स होता है कौआ, कौआ मीन्स, उसका भी वर्ण विच्छेद करके आपको यहाँ दिया गया है। काका के बाद आपका क्या आ जाता है देखिए, सुका। सुका मीन्स क्या होता है, सुका मीन्स होता है तोता। और सुका का वर्ण विच्छेद हमने यहाँ करके आपको बताएं। चलिए सुका के बाद क्या आता है, मयूरा। मयूरा क्या होता है, मोर। और मयूरा का भी वर्ण विच्छेद करके यहाँ हमने आपको बता दिया। इस प्रकार पक्षियों के नाम यहाँ पर बताए, संस्कृत में था, हिंदी में बताए और उसका वर्ण विच्छेद करके बताए। अब इसके बाद यहाँ पे पशु नामाम यानी पशुओं के नाम बताने को कहा। अजा, अजा यानी क्या होता है, बकरी। अजा संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, बकरी कहते हैं। और अजा का वर्ण विच्छेद पहले से उदाहरण के रूप में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। अश्वा, अश्वा मीन्स क्या होता है, घोड़ा। और अश्वा का भी वर्ण उच्छेद करके यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद गजा, गजा मीन्स होता है हाथी। गजा के बाद क्या आ जाएगा आपका, धेनु। धेनु मीन्स गाय। और धेनु का वर्ण उच्छेद करके यहाँ आपको हमने बता दिए। इस प्रकार पक्षीनाम नामानी और पशु नाम के जो नाम, पशुओं के नाम थे वो आप बताए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वस्तु नाम नामानी, जो वस्तुओं के नाम है वह बताएंगे। देखिए ये वस्तु देखने से आप पहचान सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, पुस्तकम। पुस्तकम, पुस्तकम मीन्स होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तक। और संस्कृत में क्या कहते हैं, पुस्तकम। और पुस्तकम का वर्ण विच्छेद देखिए, आधा प, धन, उ, धन, आधा स, धन, आधा त, धन, अ, धन, आधा क, धन, अ, धन, म। यानी जिनके नीचे हलंत लगा है तो आधा अक्षर कहलाएगा और जिनके नीचे हलंत नहीं लगा है तो वह पूरा अक्षर कहलाएगा। और पूरा अक्षर कौन सा आएगा, जो स्वर होते हैं आपके। घटिका, घटिका मीन्स क्या होता है, घटिका ये संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। और घटिका का ये वर्ण विच्छेद करके यहाँ बताया गया।
फिर उसके बाद चस्का। चस्का मीन्स क्या होता है? गिलास जिससे हम पानी पीते हैं। चस्का मीन्स क्या होता है? गिलास जिससे हम पानी पीते हैं। और चस्का का ये वर्ण विच्छेद करके हमने बता दिए। उसके बाद आपका अगला आता है दुई चक्रिका। दुई चक्रिका मीन्स हिंदी में से हम साइकिल कहते हैं, और दुई चक्रिका का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको वस्तुओं के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम और उनके नामों के वर्ण विच्छेद संस्कृत में कैसे करते हैं, जो संस्कृत में नाम दिए उनके नाम हिंदी में बताए और उनका वर्ण विच्छेद करके आपको बताए। यदि आपको हमारे द्वारा जो वर्ण विच्छेद करके और जो संस्कृत नामों को हमने हिंदी में बताए और उनका वर्ण विच्छेद करके बताए यह समझ आया, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।